विचार लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लक्ष्य काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, काम आदतें बनती है और आदतों से हमारा चरित्र बनता है और चरित्र से भाग्य तय होता है। पुरानी कहावत है, हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फल होते हैं। अगर हम अच्छे फल पाना चाहते हैं तो इसके लिए सही लक्ष्य तय करना चाहिए और सही तरीके से काम करना चाहिए। सिर्फ तभी हमें उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलते हैं। जब हम किसी अच्छे इंसान को देखते हैं तो उनसे प्रेरणा लें, और जब किसी बुरे व्यक्ति को देखें तो अपनी बुराइयों पर विचार करें, तभी जीवन सुधर सकता है। अगर हम अच्छे बीज बोते हैं तो अच्छे फल मिलते हैं। जब सोच सकारात्मक रहती है तो सारे काम सही तरीके से पूरे हो जाते हैं। अच्छे फल पाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले सही लक्ष्य तय किया जाता है और फिर उसके लिए सही तरीके से काम किए जाते हैं। जैसे हमारी सोच होती है वैसे ही हमारे कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसे ही फल मिलते हैं। उस व्यक्ति से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए जो हमारी झूठी बातों पर भी विश्वास कर लेता है। जीवन का एक एक पल बहुत मूल्यवान है, इसे व्यर्थ विवादों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। धैर्य बनाए रखें और क्रोध को काबू रखेंगे तो विवादों से भी बचे रहेंगे। जो लोग खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं वो कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाते। दूसरों से ज्यादा खुद के जीवन पर ध्यान देना चाहिए। लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कद्र नहीं करते हैं, और जिन चीजों को पाना बहुत मुश्किल होता है उन्हें पाने की चाहत रखते हैं। इसी वजह से जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती है। मुश्किल समय में अधिकतर लोग अकेले हो जाते हैं, लेकिन अकेला व्यक्ति साहसी होना सीख जाता है। मुश्किल समय में सकारात्मक रहना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।